हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 साउंड करेंगे। साउंड, जैसा कि आपको ये नाम से ही पता चल रहा है कि साउंड का मतलब क्या होता है, उसे हिंदी में हम ध्वनि कहते हैं। और ये हम डेली सुनते हैं, साउंड किसी ना किसी आवाज़ में, किसी ना किसी रूप में हम डेली साउंड सुनते हैं। अब जैसे हवा चलती है तो उसकी साउंड अलग होती है, बर्ड्स जब चहचहाते हैं, बोलते हैं, तो हर एक बर्ड की अपनी अपनी आवाज़ होती है, अपना अपना साउंड होता है। इसी तरह स्कूल में जब आप पढ़ते हैं तो नेक्स्ट पीरियड की जब बेल लगनी होती है तब उसकी आवाज़ आपको सुनाई देती है। ठीक, अभी मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ तो आपको मेरा साउंड सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम कुछ आगे पढ़ते हैं। इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ये एक तरह का मैकेनिकल एनर्जी है, ये भी साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म ही है। ठीक है, और ये मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म है जो हमारे को एक सेंस प्रदान करता है, हियर सुनने का। ठीक, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। कोई भी साउंड हमें कैसे सुनाई देता है, जब किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होती है। आप बोलिए, आप अभी जैसे बोल रहे हैं और अपने गले पर हाथ रखिए, ठीक है, गर्दन पर हाथ रखिए और फिर बोलिए, तो आपको समझ में आएगा, फील होगा कि आपके वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जैसे वाइब्रेशन, डिफरेंट डिफरेंट वाइब्रेशन होती है, तो उसी तरह के आपकी, जिस तरह की वाइब्रेशन होगी उसी तरह की आपकी साउंड होगी। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव्स जैसे लहरें होती हैं, समुद्र की लहरें आपने देखी होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो आपके साउंड वेव्स हैं, साउंड है वो उसी की तरह ट्रेवल करेगा। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में हम आगे जानेंगे। दे आर ऑल्सो इलास्टिक वेव्स, हैंस दे नीड अ मटीरियल मीडियम फॉर देयर ट्रांसमिशन। मतलब कि इनको हम इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं, और साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। ठीक, एक मीडियम चाहिए जहाँ से वो पास हो सके। दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इन वैक्यूम। वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। वैक्यूम का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर कोई भी एयर नहीं है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, अब जैसे अगर आप स्पेस में चले जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस वजह से अगर आप अपने फ्रेंड से स्पेस में बात करना चाहें तो आपको ना उसकी आवाज़ सुनाई देगी, ना आपके फ्रेंड को आपकी आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, नाउ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सम मटीरियल बॉडी इज मेड टू वाइब्रेट। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। मीडियम फॉर ट्रांसमिशन कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी साउंड का प्रोड्यूस होती है जब किसी ऑब्जेक्ट में या किसी मटीरियल बॉडी में कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और आपके साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मींस आपका जैसे वॉल है, आप ज़ोर से चिल्लाएंगे, वॉल के दूसरी तरफ भी आपका अगर वॉल साउंड प्रूफ नहीं होगी तो दूसरी तरफ भी आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, या वुड, लकड़ी, लकड़ी से भी आपको आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, अभी अगर आप टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप अपने टेबल पर अपना एक कान रखिए और नीचे से, टेबल के नीचे से नॉक करिए तो आपको साउंड सुनाई देगी। तो यहाँ से पता चलता है कि साउंड सॉलिड मीडियम में भी ट्रेवल करती है। इसी तरह साउंड लिक्विड यानी वाटर में भी, अगर आप पानी में भी चले जाएं
तो वहाँ पर भी ट्रैवल करती है। और गैशियस मीडियम मीन्स गैस में आपका एयर हो गया, जैसे अभी हम एयर में ही बैठे हैं, ठीक, तो यहाँ पर भी आपके साउंड ट्रैवल कर सकती है। और सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में, ठीक। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक बेल इज सस्पेंडेड इन साइड अ बेल जार कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पम्प। एज द इलेक्ट्रिक बेल सर्किट इज कम्प्लीटेड द साउंड इज हर्ड। एयर इज नाउ विदड्रॉन फ्रॉम द जार बाय स्टार्टिंग द वैक्यूम पम्प। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली नो साउंड इज हर्ड। व्हेन ऑल द एयर हैज़ बीन ड्रॉन आउट एट दिस स्टेज द हैमर ऑफ द इलेक्ट्रिक बेल इज स्टिल सीन स्ट्राइकिंग द गोंग रिपीटेडली। दस इट इज़ प्रूव दैट साउंड रिक्वायर्स अ मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। यहाँ हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो साउंड है उसको ट्रेवल करने के लिए एक मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ग्लास का एक जार लिया है हमने, ठीक है, और इसमें एक ये हमने बेल लगाई है, इलेक्ट्रिक बेल है, और यहाँ एक गोंग है और यहाँ एक हैमर है, ठीक। और इसको हमने देखिए, इसको हमने कनेक्ट किया है ये हमारे सर्किट से, हमने कनेक्ट किया है, ठीक, बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक। और यहाँ नीचे हमने एक वैक्यूम पंप बनाया है, ठीक। जब हम ये सर्किट कंप्लीट करेंगे, और अभी हमारे पास ये जो जार है उसमें एयर है, ठीक है, जब हम ये सर्किट कंप्लीट करेंगे तब आपको यहाँ से एक बेल की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है, बेल की आवाज़ सुनाई देगी। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी देर में ये जो आपके पास ये वैक्यूम पंप है इसकी हेल्प से हम इस जार में से सारी एयर निकाल देंगे और बंद कर देंगे। अभी भी हमारा इलेक्ट्रिक हमारा जो सर्किट है वो कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, लेकिन अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास हमारी ये जो बेल है वो बज तो रही होगी, रैंग कर रही होगी, बट वो हमें सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि इस जार में सारी की सारी एयर जो थी वो निकाल ली है हमने, जिस वजह से साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई भी मटेरियल मीडियम मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इससे हमें ये प्रूफ हो रहा है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई एक मटेरियल मीडियम चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं। अ मटेरियल मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए कोई ना कोई मटेरियल मीडियम चाहिए ही चाहिए, और चाहे ये कोई भी मीडियम हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नेक्स्ट पॉइंट, द डिस्टर्बेंस विच मूव्स थ्रू अ मीडियम व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम सेट द नेबरिंग पार्टिकल इनटू मोशन इज नोन एज अ वेव। अब देखिए, ये एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक साइकिल्स जो हैं, साइकिल स्टैंड में आप लोग साइकिल रखते हैं, वहाँ देखते हैं कि बहुत सारी साइकिल्स रखी हैं, ठीक है, एक लाइन में साइकिल्स रखी हुई हैं। अगर आप पहली वाली साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको हिला देते हैं, तो क्या होता है, वो एक दूसरे से टकराती हुई गिरने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके जो साउंड वेव्स हैं, ये इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, एक दूसरे से टकरा के डिस्टर्ब करते हैं और अपनी पोजीशन पर वापस आ जाते हैं। जैसे आप कई बार लाइन में खड़े हैं, प्रेयर की लाइन में खड़े हैं, और आप अपने आगे वाले दोस्त को छेड़ देते हैं और छेड़ के वापस आ जाते हैं अपनी पोजीशन पे, और इस तरह से प्रिटेंड करते हैं कि आपने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये जो साउंड के जो पार्टिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो भी क्या करते हैं, अपने जो नेबरिंग पार्टिकल होता है उससे जाके टकरा जाएगा और वापस अपने
पोजीशन पर आ जाएगा, मीन्स उसको डिस्टर्ब कर देता है। इस तरह से वो अपने आगे वाले को डिस्टर्ब करेगा और फिर वापस आ जाएगा। इस तरह की जो डिस्टर्बेंस से जो आपके मोशन बनता है तो वो क्या कहलाता है, आपका वेव। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, अ साउंड वेव कैन बी कंसीडर्ड द प्रोपोगेशन ऑफ प्रेशर और डेंसिटी वेरिएशन इन द मीडियम। आपकी साउंड वेव और एक चीज़ और एक पर डिपेंड करती है कि आपके एटमॉस्फेयर में किस तरह का प्रेशर है, किस तरह की डेंसिटी है। ठीक है, इट प्रोपोर दैट इज़ इट प्रोपोगेट इन अ मीडियम एज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन। अगर हम इसको साउंड वेव की लैंग्वेज में कहना चाहें तो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन, इनके हम बात करेंगे। अ रीज़न ऑफ कंप्रेस्ड एयर दैट इज इंक्रीज्ड डेंसिटी और प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेशन, एंड दैट ऑफ रेयर फील्ड एयर डिक्रीज डेंसिटी और प्रेशर इज कॉल्ड रेयरफ्रैक्शन। आपका कंप्रेशन किसको आप कहेंगे, जब आपके एटमॉस्फेयर में डेंसिटी इंक्रीज हो रखी है या प्रेशर इंक्रीज हो रखा है, या जिसे हम कंप्रेस्ड एयर कहें, तब कंप्रेशन होगा, साउंड वेव में कंप्रेशन होगा। और अगर आपका डेंसिटी डिक्रीज हो रही है या प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तब आपका वहाँ पर क्या होगा, रेयरफ्रैक्शन होगा। और रेयरफ्रैक्शन को हम आर से डिनोट करेंगे और कंप्रेशन को सी से डिनोट करेंगे। अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन इन द मीडियम। कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो उसमें कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन दोनों ही होंगे। एग्जाम्पल के लिए, व्हेन द प्रोंग्स ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क मूव्स फॉरवर्ड कंप्रेशन इज फॉर्म्ड, एंड व्हेन द प्रोंग्स मूव बैकवर्ड रेयरफ्रैक्शन इज फॉर्म्ड। अभी आपको बताते हैं, एक ट्यूनिंग फॉर्क जैसा है आपके पास, एक चिमटे की तरह। ठीक, जब आप उसको किसी चीज़ से टकराएंगे तो उसमें बेटा कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन दोनों ही होगा। ठीक है, जब ट्यूनिंग फॉर्क आगे की तरफ मूव करेगा तो मींस कंप्रेशन, एंड व्हेन प्रोंग मूव्स बैकवर्ड मतलब जब वही प्रोंग्स जो हैं पीछे की तरफ मूव करेगा तो रेयरफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एज अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव प्रोपोगेट्स वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। यहाँ पर हमारी जो साउंड वेव्स हैं, देखिए हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं, एक ट्रांसवर्स वेव होती हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो हमारी साउंड वेव्स हैं वो किस तरह की वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेव्स होती हैं वो किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती हैं, जिस डायरेक्शन में वेव्स प्रोपोगेट करती हैं। देखिए ये आपका कंप्रेशन, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, ये देखिए जो ये लाइंस जो है पास पास है, इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, और तो यहाँ पर क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। और यहाँ पर देखिए लाइंस दूर दूर हैं, मींस पार्टिकल दूर दूर हैं, तो यहाँ पर डेंसिटी कम है तो रेयरफ्रैक्शन हो गया, इसी तरह से। और अगर हम ग्राफ की हेल्प से समझें, ये देखिए ये आपकी वेव्स हैं, ये आपकी वेव्स हैं, ये डेंसिटी और प्रेशर आपको बता रहा है, ऊपर की तरफ है मतलब डेंसिटी और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, नीचे डेंसिटी और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और ये आपका क्या है, क्रस्ट, ये पीक पॉइंट जो है, और ये यहाँ पर आपका क्या है, ट्रफ नीचे की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वेव मोशन, इन ये जो मोशन है वेव की, किस तरह की मोशंस होती हैं। थैंक यू।